सो हेलो भालो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइज, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्राइमल फियर का। तो गाइज, आर्क प्राइमल फियर के पिछले एपिसोड में जो है ना गाइज, आपने देखा होगा कि हम लोग ने जो है ना गाइज यहाँ पे फ्यूरॉक्स की आर्मी जो है ना गाइज वो हमारी बना ली थी। और पिछले एपिसोड में जो है ना गाइज, हमने फ्यूरॉक्स की आर्मी में से दो फ्यूरॉक्स जो है ना गाइज वो हमारे जो सर्वर्स में खेल रहे हमारे भाई लोग उनको जो है ना गाइज दे दिए थे। और हमारे पास अभी पड़े हुए टोटल 3000+ लेवल के फ्यूरॉक्स गाइज यहाँ पे। और आज का जो एपिसोड है ना गाइज, इसमें हम क्या करने वाले, आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई जो है ना गाइज वो मचाने वाला है फुल टू तबाही। वैसे मैं जो है ना गाइज, आप सोच रहे होंगे कि हम भाई हमारे घर से कैसल से यहाँ पे कैसे आ गए। तो गाइज, एक्चुअली मैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और इस एरिया में मैं एक डायनो टेम करने के आया था, तभी मेरी लाइट चली गई और मैं यहीं पे डायरेक्टली गिर गया। अच्छी बात है कि मैं कहीं पानी पीने में नहीं गिरा, वरना मेरी पेटी बन जाती गाइज। तो आज का जो एपिसोड है ना गाइज, जिसमें हम क्या करने वाले वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हो गए यार चैनल पे, फटाक से गाइज लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे काफी मायने रखता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एनी के चैनल की और हमारे व्लॉगिंग चैनल की, तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। वैसे एनी के चैनल पे 80,000 बहुत ही ज्यादा जल्दी कंप्लीट होने वाला है गाइज, तो कला दो यार। और तुम्हारा भाई जो ना गाइज वो भी भाई यहाँ पे 210,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा नजदीक है, तो गाइज वो भी गोल कंप्लीट कला दो भाई। तो गाइस यहां पे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो ना गाइस टोटल पड़े हुए थे 6 स्पेशल कीबल वाबा, ठीक है। अभी स्पॉइल उसमें से एक हो चुका है गाइस, मतलब अभी तुम्हारे भाई के पास टोटल 5 स्पेशल कीबल है। और गाइस यहां पे मेरे पास इतने कीबल थे तो मैंने सोचा चलो एक काम ही कर लेते हैं भाई, अभी फिलहाल के लिए चल के जो ना गाइस स्पेशल कीबल से फ्यूरॉक्स तो मैं टेम करने नहीं वाला था, तो इसलिए ना मैं यहां पे लेजेंडरी पेगासस को ढूंढने के लिए आया था। और एक्चुअली मेरे को एक लेजेंडरी पेगासस जो ना गाइस वो मिल भी गया था, और उसको एक गोली मारूं उससे पहले जो ना गाइस तुम्हारे भाई का यहाँ पे गेम क्रैश नहीं क्या, लाइट गई भाई। तो मैं आपको उस लेजेंडरी पेगासस से जो ना गाइस मिला देता हूँ, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये भाई 675 लेवल का वो लेजेंडरी पेगासस, और इसी को जो ना गाइस नॉकआउट करने के लिए तुम्हारा भाई यहाँ पे आया है। मैं सारी गोरिया जो ना गाइस रिलोड कर लेता हूँ, ताकि मैं इसको जो ना गाइस एक रिलोड में पूरा नॉकआउट कर दूं भाई, ठीक है। अबे यार ये तो भग गया यार, एक रिलोड में नॉकआउट करने वाला था भाई मैं इसको, और मैंने ओ दो गोलियों में नॉकआउट हो गया भाई, ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो गोलियां देख रहे हो ट्रैंक वाली है गोलियां जो ना गाइस, अपन ने अपने पास जो काला नारकुड़ी बना हुआ था ना स्मृति के अंदर, उस नारकुड़ी का इस्तेमाल करके मैंने ये गोलियां जो ना गाइस जो यहाँ पे बना ली थी। तो टोटल हमारे पास जो ना गाइस 111 बुलेट्स भी आ चुकी है। अभी यहाँ पे पेगासस नॉकआउट हो चुका है, और इसको भाई टेम करने के लिए टोटल 4 केबल चाहिए, जो कि मैंने लाइट जाड़े से पहले देखे थे गाइस। अभी भी उतने ही चाहिए ना भाई, यहाँ भी थोड़ी पड़ेंगे गाइस, ठीक है। सो ये रहा हमारा लेजेंडरी पेगासस जो 675 लेवल का है। और गाइज यहाँ पे इसको 1000 लेवल का गाइज ये बन चुका है। और गाइज यहाँ पे मैंने जब मैप पे देखा था तो इससे भी ज्यादा हाई लेवल का एक जो पेगासस है ना गाइज, वो डेजर्ट वाले बाइब में था गाइज, ठीक है। मेरे को उसके एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं, क्योंकि आपको बताया जब भी भाई हमारा गेम क्रैश होता है, फिर हम गेम से बाहर जाते हैं, तो जो भी हम भाई लिख के रखते मैसेज वीसेज वो सारे गायब हो जाते हैं। हाँ तभी मैं बोलूँ भाई मैंने टीपी क्यों नहीं मारा, थोड़ा सा अटक गया था गेम गाइस, उस रीजन से टीपी नहीं मारा था। अभी मारा हुआ है बट हर तरफ जो ना गाइस लैग के कारण जो ना लैग नहीं हुआ है, गेम एक तरह से फ्रीज हो चुका है गाइस, ठीक है। सो उस रीजन से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जब टीपी कंप्लीट होगा तो सब कुछ दिखाई देगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम सेकेंडरी लगभग 750 लेवल का जो ना गाइस यहाँ पे एक हमको पेगासस मिल जाएगा, उसको अपन देखने वाले। बट दिक्कत वाली बात क्या है बताया क्या गाइस, शायद मेरे पास उस पेगासस को टेम करने लायक जो ना गाइस कीबल नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे पास खाली एक कीबल बचा और मेरे पास खाली 2 ही अंडे अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे। तो मेरे को जो है ना गाइस अपने इसको मरवाना नहीं मार खिलाना पड़ेगा यार। गीगा किधर है मेरा, गीगा को जो है ना गाइस थोड़ा सा मार खिलाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि गीगा के अंडे जो है ना गाइस वो हमको जल्दी जल्दी मिलेंगे। चलो गाइस आ जाओ, अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है गाइस। 1000 लेवल का जो हमारा एपिक्स गीगा है ना गाइस, उसको जाके मेरे को मरवाना पड़ेगा, तभी कहीं पे जाके जो है ना गाइस अपना काम यहाँ पे हो सकता है। वैसे इसको मैंने पहले भी मारा था यहाँ पे भाई, ये वापस ही कहाँ से आ गया। वैसे आप ओरिजिन यहाँ पे ओरिजिन है भाई, जो कि मेरे को काफी अच्छे से डैमेज दे सकता है। और ये भाई जो इलेक्ट्रिक ये रहा ओरिजिन गाइस, ठीक है। इससे डैमेज लूंगा और सीधा करके अंदर भाई, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक ग्रिफिन भी है, फीमेल है क्या भाई तू, फीमेल होगा तो बोलना, मेल है भाड़ में जा मेल भाई, मेल से कुछ लेना देना ही नहीं है। लौंडे मार दे मार दे मार दे, क्या
अच्छा हाँ, 7-7 लाख का दे रहा है। 1 बिलियन है लेकिन मेरे हेल्थ भाई ना हो पाएगा क्या? ऐसे तो 4 जन्म लग जाएंगे भाई तेरे को। अबे यार ये तुझा भी डैमेज नहीं दे रहा भाई, तू तो शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती भेज क्या? तेरे पास ट्रैकर है क्या? इसको हमने ट्रैकर खिलाएगा देखने दो। पहले ट्रैकर खिलाया होगा ना तो मैं क्या करूंगा बताया क्या गाइज? सिंपल सी बात है, इसका जो ना गाइज आप निकाल देता हूँ सैडल, ताकि विदाउट सैडल जो ना गाइज इसको डैमेज ज्यादा पड़े, और फिर मैं इसको भाई अपने पास बुला लूंगा भाई, ठीक है? सिंपल सी बात है। इसके ऊपर खड़ा रहे, मार इसको, मार मार, पैसिव बेटा, नाइस वन। मार खा दे रहे अपन को, मार खाना है खाली और कुछ नहीं कर रहा है। हाँ मार खा दे रहे, मेरे को मरवाना नहीं बेटा, ठीक है? मेरे को मरवाना नहीं भाई, ठीक है? देख रहे हो गाइज भाई, गीगा को मरवाने की निंजा टेक रही गाइज। वैसे एक्चुअली में मरवा नहीं रहा यार मेरे को थोड़ा। लो भाई साहब, हो गया कल्याण भाई, गीघा को मरवा रहा था, मैं ही खुद भर गया, लेकिन कोई सीन नहीं है गाइस, ठीक है? हमको जो ना गाइस थोड़े से अंडे का जुगाड़ करना है, और अंडे जो ना गाइस हमको इसी तरीके से मिलेंगे, क्योंकि उसको मैं हीलिंग पोशन खिलाऊंगा, तो वो अंडे जो ना अपने पर पॉटी के जरिए जो ना गाइस मेरे को दे देगा भाई, ठीक है? सो यहाँ पे मेरे को जो ना गाइस थोड़ा सा और उसको जो ना गाइस मार खिलाना पड़ेगा, देन मैं इसको जो ना गाइस अपने बेस पे वापस से बुला लूंगा। बट मेरे को जो ना गाइस चेकआउट करना है कि ज्यादा जो ना गाइस उसको मारना पड़े, और हमारा इतना पावरफुल वाला गीघा जो ना गाइस वो कहीं पे लुढ़क भिड़क रह जाए, इस बात का मेरे को जो ना गाइस खास ध्यान रखना है। और ना पता चला भाई 1 बिलियन हेल्थ वाला हमारे गीगा जो ना कैसे लुढ़क गया भाई, ठीक है? जो गीगा की हेल्थ अभी तक भाई 50% भी डाउन नहीं हुई है भाई, ठीक है? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ग्रिफिन को अगर मैं उसके नजदीक भी लेके जाता हूँ ना, तो भाई ग्रिफिन जो ना 1 सेकंड में यहाँ पे मारा जाएगा, क्योंकि इसकी लेवल अप अभी तक मैंने करी नहीं है। ओके सो कम ऑन ड्यूड, क्या हुआ? अबे मार नहीं रहा क्या बेटा? एक काम कर ले जा, चू मंदर भाई, तेरे को मार कैसे नहीं रहा? तेरे को मार कैसे नहीं रहा? भेज किया क्या मारू? ठीक है पैसे हो जा, अभी चुपचाप पैसे हो जा। अबे यार ये कुछ कर ही नहीं रहा। अबे मारना अंकल मारना, मेरे लौंडे को मारना। वो ये पानी में कुछ कर नहीं सकता क्या? मैं भी शायद, इधर आ, इधर चल, जा इधर जा, हाँ जमीन पे जा, जमीन पे जा, हाँ जमीन पे जा, उधर 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 जा, उधर जा, हाँ ना ऐसा, हाँ मार रहा है। पानी में जो ना गाइस बेर बहुत ज्यादा नल्ला होता है गाइस, ठीक है? वो पानी के अंदर कुछ ना कर सकता, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है? 50% एचपी डाउन करे, 10% एचपी बचेगी, तब उसको क्रायो कर लूंगा डायरेक्टली गाइस, बात खत्म। वैसे हमारे हाथ जो ना गाइस एक लेजेंडरी पेगासस लगा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को मेल फीमेल मिल जाए गाइस, ताकि ओ अरे यार अंडा गायब क्या? नहीं अंडा गायब नहीं हुआ भाई, अंडा गायब नहीं हुआ, मेरी पेटी ना बन जाएगा इस चक्कर में। अंडा तो यहाँ पे एक मिल रहा है मेरे को, बट इस अंडे के चक्कर में ना तेरे भाई की बेटी ना बन जाए कहीं पे। कम हियर ब्रदर, उस गीगा के हेल्थ देख, हाँ गीगा के हेल्थ है अभी, थोड़ी सी हेल्थ है भाई। एक अंडा जो ना गाइस वो गीगा ने फाइट के बीच में डाल दिया था गाइस, तो तुम्हारे भाई के पास एक एपिक्स वाला अंडा जो ना गाइस वो आ चुका है 400 मिलियन। एक काम कर लेता हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, ठीक है? 300, कम हियर, बाय बियर सर जी, ठीक है? बियर सर जी आपको मारने के लिए बाद में हम आएंगे, अभी फिलहाल के लिए मूड नहीं है, ठीक है बियर सर? चलो गाइस अपन अपने घर पे कैसल पे आ चुके हैं, अभी कैसल पे जो ना गाइस गीगा को हीलिंग पोशन खिला के जो ना गाइस उसके अंडे बाहर निकालने हैं हमको भाई, ठीक है? संडे वाला मंडे रोज खाओ भाई, यहाँ पे आप एक गीगा के अंडे। ओके लेट्स गो। सो ये रहा हमारा हीलिंग पोशन, जो इसको खिला के हम एपिक्स वाले अंडे निकालेंगे भाई, ठीक है? लेट्स गो। ओके हियर वी गो, डन। अभी यार संभल के भाई। ओके चलो भाई, कितना अंडे देगा भाई? मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अंडे जो ना गाइज वो यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे को। वैसे अभी तक मेरे को एक भी अंडा गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों वापस से जाके भाई कटवाना पड़ेगा क्या तेरे को? बियर से कटवाना भाई, पॉटी दे रहा है, पॉटी का एक दिया अंडा भाई, इतने सारे भाई पॉटी और एक अंडा खाली। अच्छा 2 अंडे है भाई, अच्छा ठीक है, दो अंडों से जो ना गाइज काम बन जाएगा गाइज, ठीक है? 2 अंडों से काम बन जाएगा अपना। और चलो तो फिर इसमें क्या है भाई, हीलिंग पोशन मेरे पास रख लेता हूँ। चलो तो फिर एक काम कर लेते ना अपने, क्या बोलते हैं, किबल बना लेते हैं और निकल लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। ओके चलो लेट्स गो भाई। अभी जो ना गाइस यहाँ पे मेरे को बना लेने हैं किबल द सीबल, ठीक है? सो अपन बनाएंगे स्पेशल किबल सीबल। ओके हियर वी गो, एक भाई यहाँ पे, ओके ठीक है, सारे एक इसके अंदर डाल दे। स्पेशल केबल मेरे हिसाब से 2 से काम बन जाएगा, क्योंकि वो 4 से हुआ था ना, तो ये वाला जो है ना गाइस वो भी 4 से बन जाएगा गाइस, मेरे को लग रहा है, ठीक है? बन जाएगा मतलब टेम हो जाएगा गाइस, ठीक है? सो ये रे भाई 2 केबल, अरे 3 ही है, एक और, मेरे को लगा मेरे पास 2 केबल पड़े हुए हैं गाइस। तो गाइस अपने पास जो ना गाइस टोटल 4 केबल आ चुके, और इससे अपन जो ना गाइस लेजेंडरी पेगासस को बड़े आराम से टेम कर सकते हैं। अभी उसकी लोकेशन जो ना गाइस हम ट्रांसमीटर से निकाल लेते हैं,
भाई लेजेंडरी पेगासस वा किधर है भाई? ये रहा गाइस 750 लेवल 8371। वैसे मेरे को ये पता है कि ये पेगासस जो ना गाइस अपने डेजर्ट वाला जो वो था ना गाइस, क्या बोलते हैं, रुक जाओ पहले मेरे को रोडोल्फ को निकालने दो। ओके रोडोल्फ, रोडोल्फ किधर है? रोडोल्फ नीचे ही। अच्छा ये रहा रोडोल्फ अपना भाई, ठीक है। नहीं वेयर इज माय रोडोल्फ ब्रो? मैं रोडोल्फ को कहीं पे भूल के आ गया क्या? नहीं तो रूडोल्फ से यहाँ पे आया था ना गाइस, अच्छा तो रूडोल्फ से यहाँ पे आया था। अच्छा वो रहा नीचे, तभी बोलूँ भाई तभी बोलूँ। ओके 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 ठीक है चलो आ जाओ। ओके ठीक है चलो। सो यहाँ पे अपन बैठ जाते एंड एकदम मस्त बेगी अपन लोग जो है ना गाइस चल दे यहाँ पे अपने डेजर्ट वाले ओके टेलीपोर्टर पे। लेट्स गो गाइस। ओके अभी टेलीपोर्टर पे अपन आ चुके हैं। अरे भाई जल्दी टेलीपोर्ट मारना भाई। और यहाँ पे अपन को मिलने वाला है ना गाइज एक खतरनाक एड ओपी से लेवल का लेजेंडरी पेगासस वा गाइज, ठीक है। और राइट लोकेशन बताऊँ 8371। मैं कहाँ पे हूँ वैसे अभी फिलहाल के लिए? 83 एक मिनट रुक जाओ, ये अनएक्सप्लोर आइलैंड पे है क्या? 83 एंड 71। एक्चुअली मैं नहीं यही कहीं पे है बट ऐसी जगह पे जो मैंने अभी तक देखी नहीं है। 83 एंड 71। ओके डन, बस बस यही पे। अरे वो रहा ना मेरा शेयर 750 लेवल भाई। रुक जाओ रिलोड कर लेता हूँ फुल टू। रिलोड रिलोड गन रिलोड मार भाई गन रिलोड। अरे भाई अरे जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे बाबा ठीक है। सो गन रिलोड अपन ने मार दिया एंड पट्ट से। अबे अरे यार अरे भाई। ओके ठीक है भग गया गाइस, भग गया। अबे यहाँ पे एक और लेजेंडरी पेगासस से इनके बच्चे निकल सकते हैं क्या? क्या इनके बच्चे निकल सकते हैं गाइज? 75 लेवल एक केबल से हो जाएगा। मेल है भाई, मेल का क्या अचार डालूंगा? वैसे ये कौन है? ये भी मेल है भाई। ओके मेरे पास जो पेगासस था वो कौन सा था? फीमेल एक भी नहीं मिली क्या मेरे को? लेजेंडरी एक मिनट रुको, लेजेंडरी पेगासस यही पे है भाई। ओ एक फीमेल है और ये मेल है गाइज, ठीक है। तो भाई दो हाई लेवल के जो ना गाइज एक मेल और एक फीमेल मेरे को मिल चुके हैं। चार, हाँ भाई चार ही केबल खा रहा है, ठीक है। इसको टेम करने के लिए थोड़ा तुड़क जाम लगाना पड़ेगा क्योंकि आसमान में है भाई। इतने से ऊंचाई से नीचे गिरा हूं भाई मैं। भाई किस बात का दग 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 दग? अरे भाई दग दग होने लग गया भाई। इतने से ऊंचाई से तो नीचे गिरा था मैं। पहले से मेरी हेल्थ कम थी क्या शायद? मेरे को लगता तो है ऐसे रहा। मेरे भाई इन्वेंटरी में इतनी सारी पॉटी क्या कर रही है? वैसे मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे फायर ग्रिफिन, यस इसको निकालना पड़ेगा, इसको फॉलो कराना पड़ेगा। देन इसके ऊपर बैठ के हमको ऐसे ग्लाइड करा के इसके नजदीक जाके इसके पेट पे उतरना पड़ेगा एंड उसके बाद मेरे को इसके इन्वेंटरी के अंदर डालने पड़ेंगे स्पेशल केबल भाई, ठीक है, जो कि रहेंगे यहाँ पे। ये अपने चार स्पेशल केबल एंड टड़ा हो गया एडम ये भाई, टेम भी हो गया समझ लो भाई। लेट्स गो भाई, तुम्हारे भाई के पास दो हाई लेवल के लेजेंडरी पेगासस जो ना गाइस वो आ चुके हैं। अगर इनके बच्चे अपन निकाल सकते हैं ना तो मजा आ जाएगा गाइस। फिर तू जो ना गाइस में दो दो इवोल्यूशन डाल, एक मिनट रुक जाओ, लेजेंडरी पेगासस के बच्चे निकलते हैं गाइस। मेरे को कैसे पता? क्योंकि मैंने एक प्राइमल फियर के सीजन में इनकी आर्मी बनाई थी गाइस, लेजेंडरी पेगासस की ना एकदम ओपी सी आर्मी बनाई थी मैंने, काफी ज्यादा खतरनाक वाली आर्मी थी। और उनमें जो ना थोड़ा सा म्यूटेशन देने की मैंने कोशिश करी थी, लगभग 15 या 20 पेगासस की आर्मी बनाई थी। और वो वीडियो शायद एनी के चैनल पे होगी गाइस, ठीक है, वहां पे जाके जरूर देख लेना भाई, काफी ज्यादा खतरनाक वाली वीडियो है वो। हाँ वो पेगासस हमारे किसी काम आए नहीं, वो अलग बात है, बट फिर भी यार आर्मी तो बनाई थी यार तुम्हारे भाई ने। आ जाओ चलो। सो भाई धक 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 हो रहा है, हीलिंग पोशन खा लेता हूं। अभी बारी है गाइस हमारे इन लेजेंडरी पेगासस भाई, कितना पॉटी करेगा बेटा? रुक जा। ओ पॉटी से याद आया, तुम लोग एक काम करो। अबे हेलो, अभी मैं डर गया भाई सच में। मैं बोला ये कौन सी स्पिरिट ब्रीड है क्या? मेरे को एक हल्का सा सफेद व्हाइट डॉट जो आ गाइस इसे उड़ते हुए दिखाई दिया, राउंड मारते हुए दो बार। मैं बोला भेज क्या भाई, भूत भी आ गया क्या यार के अंदर? ठीक है तो एक काम कर लो तुम लोग, एक्सपी पोशन खा लो यार। चलो एक एक एक्सपीशन खा लो, मैक्स लेवल अप तब तक इनकी हो जाएगी। फिर आने के बाद जो ना कि इनको एकदम मस्त बेकी मक्खन मार के लेवल अप कर लेते हैं भाई, ठीक है। फिर भी वो तो यहाँ पे अभी अपन एकदम मस्त बेकी जो है ना गाइस जाके देखने वाले कि डंग बीटल्स ने कैसे अनसंभव सी चीजें कर लेते हो रे तुम लोग। मतलब ओके समझ गया बताने की जरूरत नहीं गाइस समझ गया कैसे। भाई साहब एक काम कर लो, एक डंग बीटल तो भाई बाहर जाने वाला है घूम घूम के भाई, ठीक है। रुक जाओ इसको भी लेके आना पड़ेगा वरना बाहर जो ना कैसे इसकी पेटी बन जाएगी गाइस, भाई कुत्ते की तरह धोया जाएगा इसको भाई। रुको वेट अ मिनट भाई, इसको अंदर डालने से पहले
भाई हमको चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। इसके ऊपर से डायरेक्टली हम जंप मार के जा सकते और इसलिए जो डंग बीटा लेटा गाइस ये बाहर खुले में घूम रहे गाइस, ठीक है, लिटरली खुले में घूम रहे और इनको कोई भी जो ना गाइस डर नहीं लग रहा भाई। एक अगर भाई किसी अल्फा विल्फा डायनो का फटका पड़ा तो उनकी बैंड बच जाएगी डायरेक्टली भाई, ठीक है। सो रेलिंग के हाइट अगर मैं डबल कर दूंगा ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और डंग बीटल अभी चुपचाप इधर ही घूमने का रे बाबा तू, ठीक है, रुक जाओ, दूसरे को भी लेके आता, दूसरा ये रहा भाई। हेलो, कहाँ मुंबई दर्शन पे निकल गए हो सर, इधर आओ भाई। अच्छा, मैंने देखा गाइज, मैं उसे आने नहीं वाला था लेकिन मैंने पॉटी करी तब मेरे को पॉटी से याद आया कि डंग बीटल को देखना है। वरना ये तो भाई दोनों नहीं, ये वाला जो ना कैसे तो बाहर चला जाता पूरा का पूरा घर से अपने। हाँ जाओ। सो सर जी, क्या हाल चाल, कितने दिए फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर की कमी है क्या बन के पास, बताओ। ये लो गाइज, कितना फर्टिलाइजर चाहिए बताओ भाई। अनलिमिटेड फर्टिलाइजर मिलेगा तुमको गाइज, यहाँ पे डाल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे पॉटी है अभी तक गाइज, ठीक है। हेलो भाई, यहाँ पे डाल सकता हूँ बट यहाँ पे स्टिल सीडिंग हो रहा है भाई, पता नहीं भाई 400 सालों से वहाँ पे सीडिंग ही चल रहा है। और राइट भाई, मेरे पास कितना फर्टिलाइजर आ चुका है, काफ़ी सारा फर्टिलाइजर आ चुका है लग रहा है गाइज। अभी हमको ना जिंदगी में कभी भी फर्टिलाइजर की कमी जो ना गाइज वो पड़ने नहीं वाले हो। यहाँ पे डाल नहीं सकता क्योंकि वो पहले से फूल है। ओके, फिर भी को डन डना डन डन, राइट, सारा फर्टिलाइजर खत्म। अरे भाई 50+ फर्टिलाइजर मिला था लग रहा है मेरे को, एक एक दो दो तीन तीन डाल रहा और एक के अंदर नो फर्टिलाइजर। ओके ठीक है, सो इसके अंदर से निकाल दे, अभी इसके अंदर से निकाल चुका हूँ सेकेंडरी ये वाला। ओके, इनके अंदर पॉटी जो ना गाइज मैं ला के डाल देता हूँ, रुको गाइज, मैं पॉटी ला के डाल देता हूँ इनके अंदर ताकि ये और ज़्यादा फर्टिलाइजर जो ना गाइज वो बना सके यहाँ पे। और ये जो ना गाइज अपनी इन्वेंटरी में शायद ऑयल भी बनाते क्योंकि मैंने इनके इन्वेंटरी में लगभग 500 ऑयल डाला था ना, कम से कम शायद मैंने 500 ऑयल डाला था लग रहा है। यहाँ पे तो सीढ़ी नहीं है, वहाँ पे सीड भी डालनी पड़ेगी, खाली फर्टिलाइजर डालने से कुछ नहीं होगा भाई। क्या चमक रहे गाइज हमारे क्रॉप लोड के वो बॉर्डर्स। ओके खत्म, क्या नो फर्टिलाइजर? हाँ नो फर्टिलाइजर। सो जो ना गाइज मैं पॉटी भी यहाँ पे लेके आता हूँ। और मेरे को क्या और लेके आना है, ओ एक मिनट रुक जाओ, कितना ऑयल हुआ इनके पास? 200 ऑयल। ये ऑयल खाते हैं क्या, स्पॉइल मीट खाते हैं? वो ये ऑयल खाते एक्चुअली में शायद नहीं यार, 291। तेरे पास कितना है? तेरे पास भी सेम होना चाहिए मेरे हिसाब से, 294। ये क्या चीज़ खाते है समझ नहीं आ रहा। वो ये स्पॉइल मीट खाते और ऑयल प्रोड्यूस करते लेकिन ऑयल उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही है, थोड़ा सा ऑयल प्रोड्यूस करा है खाली इन्होंने। चलो कोई सीन नहीं है, अपन जो ना गाइज बहुत सारी पॉटी इनके अंदर डाल देते हैं ताकि जो ना गाइज और फर्टिलाइजर बना सके। सो गाइज FEC ये रहा गाइज, पॉटी शोटी लेके आ चुका हूँ, आधी इसके अंदर और आधी इसके अंदर भाई। अच्छा दूसरा वाला किधर है? अच्छा ये रहा ना दूसरा वाला, हाँ भाई ठीक है। सो आधी इसके अंदर, टड़ा। चलो अभी पेगासस जो रहा गाइज उनको यहाँ पर लेवल अप करके फुल भाई मुझे टाइम आ चुका है। वैसे पेगासस को अभी मैं इवॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को इनका बच्चा चाहिए गाइज, ठीक है। मेरे को इनके बच्चे, एक काम करूँगा, ऑफलाइन में इनको AFK रखता हूँ एंड ऑफलाइन में इनके जो ना जितने बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं ना, जितने बच्चे मतलब जितने बच्चे पैदा कर पा रहे हैं ना उतने बच्चे इनको पैदा करने दो गाइज, ठीक है। ये मत बोलना कि तुम्हारे 100 मिलियन भी हेल्थ नहीं हो रही है भाई, ठीक है, 10 मिलियन भाई। तुम एक फटके हो तुमको ये पता है, एक फटका मारा ना गाइज वो ओरिजिन ने तो भाई यहाँ पे इनकी डायरेक्टली बैंड बच जाएगी, ये मैं होने नहीं दे सकता भाई। अभी उसका तो 22 मिलियन का फटका होता है, डाल डाल के कितने डालूंगा गाइज इनके हेल्थ के अंदर में पॉइंट। अरे यार ओरिजिन से इनको बिड़ाना नहीं है गाइज, अगर बिड़ा भी दिया तो एक बात का मेरे को खास ध्यान रखना है कि इनको ओरिजिन से जो ना गाइज ऊपर रखना है हमेशा गाइज। अगर ओरिजिन के नज़दीक लेके गया और एक बाइट अगर ओरिजिन ने इसको मारा तो फिर इसका खत्म भाई, तो डायरेक्टली गेम ओवर, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा हमारा पेगासस। और हमारा पेगासस पॉटी कर करके जो ना पॉटी का पहाड़ इकट्ठा करने वाला है 1100 लेवल का गाइज। हमारा ये जो पेगासस है ना फीमेल वाली वो हो चुकी है यहाँ पे, एक्चुअली में हाई लेवल की पेगासस थी मेरे हिसाब से ना। यस गाइज ये तो हाई लेवल की पेगासस थी फीमेल वाली, एंड ये 1000, एक मिनट रुक जाओ, मेल जो था वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था, फीमेल नहीं थी गाइज, ठीक है, मेल हाई लेवल का पेगासस था। ऑलराइट नो प्रॉब्लम हो, ठीक है, चलो कोई सीन नहीं है। अभी यहाँ पे जो ना गाइज मेल को भी एकदम मैक्स लेवल अप कर लेते हैं, उसके बाद फुल टू मिचियाएंगे भाई गाइज, ठीक है। इसके डैमेज में भी दबा के जो ना गाइज यहाँ पे पॉइंट डाल रहा हो, देयर वी गो 51 पॉइंट यहाँ पे डाल देते गाइज, जिसकी हेल्थ में एकदम मस्त बिकी पॉइंट, कोई सीन नहीं है भाई। यहाँ पे इसकी हेल्थ बढ़ा लेते हैं, देन जाके थोड़ी सी बाहर जो ना गाइस तबाही मचाने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। किसी भी डेडली क्रीचर के नज़दीक भी भटकना नहीं है, और ना गाइस यहाँ पे जो ना गाइस इनको धो डालेंगे भाई, वो एक एक पटके में उड़ा देंगे। वैसे हमारे पेगासस के पास कोई आर्मर विरमर नहीं होता है ना, आर्मर होता तो गाइस अलग बात थी। चलो गाइस, सो मैक्स लेवल के पेगासस को लेके चलते हैं, एंड ये पॉटी जो ना गाइस कलेक्ट हो जाएगी, डंग बीटल के अंदर डाल दूंगा। 1212 लेवल, 12 लेवल का ये पेगासस हो चुका है, काफी खतरनाक लेवल आई यार तेरे को। चलो सो गाइस पेगासस का लुक तो आपको बताइए, आपने तो देखा ही होगा सभी ने भाई, सभी की पूरी की पूरी दुकान होते हैं हमारे पेगासस, जिनके पास बाइट अटैक, लिप क्लिक वाला अटैक जो कि जमीन पे रहते हुए मार सकते हैं, मैं भी ये
जिससे भाई ये पीछे की लात मारते। यस एंड सी वाला टैग जो कि है चिल्ला के ऐसे चिल्लाने वाला, और एक वाला स्पेशल अटैक, ये पेगासस का किल काउंट वाला अटैक है गाइस, ठीक है। इससे हम जो है गाइस पेगासस के किल्स जो है गाइस वो इंक्रीज करा सकते हैं, जिससे हम बाय फ्यूचर में पेगासस को इवॉल्व कर सकते हैं। वैसे डैमेज के मामले में 22 मिलियन का डैमेज, वाह भाई आ तू भाई। और ओरिजिन डियर की एक बाइट में गेम ओवर गाइस, ठीक है, समझो खत्म भाई, सारा का सारा गेम ओवर हो जाएगा भाई। ओरिजिन भाई यहाँ पे ओरिजिन के जो ना गाइस एक बाइट अटैक में डायरेक्टली गेम ओवर हो जाएगा, तो मैं ओरिजिन के नजदीक भी नहीं भटकूंगा यहाँ पे। और अरे 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 काय लग रहा है, यहाँ पे गुफा है, अरे जाओ रे बंदर फैमिली, ये किसकी गुफा है भाई, झरने की। अरे प्राइमल, प्राइमल को तो मार सकता हूँ ना, पता चला प्राइमल ने एक बटके में उड़ा डाला तेरे भाई को, बेज्जती हो जाएगी। हाँ उसके मुँह के सामने जाओ, और जोर से मार सके तेरे को, है मुँह के सामने जा रहा है भाई, किधर है लोंडा, लोंडा तो भग रहा है। अरे रेन दो भाई, वो भी अपने औकात से बाहर है फिलहाल के लिए भाई, 2 मिलियन खाली डैमेज भाई, ये क्या चीज़ है, वो अभी तो बेस के लिए काफी ऊपरी जगह है यार। सामने की तरफ एक गेट लगा डालो, पूरा का पूरा पैक गाइस गुफा के अंदर भाई, ये जो ना गाइस, ओ यहाँ पे तो आयरन, मेरे बेस के साइड में इतना सारा आयरन था, और मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था आयरन कहाँ है, आयरन कहाँ है, बताओ बताओ भाई बताओ, वाह भाई वाह, आज आज हुई डिस्कवरी। ये ऑयल ना निकले भाई, ना ऑयल नहीं है, ठीक है चलो, ये तो मेटल है पक्का भाई, पक्का सोडक का मेटल है भाई, वाह भाई वाह, कल्लो बात गाइज, क्या ही बोले, मेरे बेस के भाई सामने इतू सा दूर इतना सारा मेटल था, और मैंने शायद पूरा एक एपिसोड मजाक नहीं कर रहा, पूरा एक एपिसोड खाली मेटल टूटने में निकाल दिया, और फिर भी मेरे को मेटल नहीं मिला था, वाह भाई वाह, कर लो भाई, चलो गाइस जाओ, यहाँ से जितना ज़्यादा मेटल उठा सकता हूँ ना उतना सारा मेटल में उठा लेता हूँ गाइस। और यहाँ पे एक्चुअल में किसी ने तो टीपी भी लगा रखा है भाई, किसका टीपी था यहाँ पे एक्चुअल में, ये टीपी है किसी का तो, अच्छा क्रिम्सन वहाँ का टीपी है भाई, क्रिम्सन वहाँ ने यहाँ पे टीपी लगा रखा है, मेटल इतना ही था क्या भाई, 10-12 हज़ार मिला खाली। ओह यहाँ पे भी है ना थोड़ा सा भाई, यहाँ पे इस गुफा के अंदर जो ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा होता है गाइस, ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा, ज़्यादा नहीं। वैसे मैं ओवरवेट होने तक जो ना गाइस यहाँ से मेटल लेके चला जाऊँगा गाइस, ठीक है, मेरे को इतना मेटल चाहिए कि मैं थोड़ा सा मतलब ओवरवेट से ना थोड़ा सा वेट जो ना गाइस मेरा खाली कम हो गाइस। वैसे मेटल मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है यहाँ का, इतना ही मेटल था, ये आखिर वाला जो ना गाइस वो पत्थर बचा हुआ है, ये देखो ये आखिर वाले 1-2 पत्थर बचे फिर खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस। लगभग 30,000 मेटल जो ना गाइस वो हमको यहाँ पे मिल चुका है, और भाई इसके ऊपर पता नहीं कौन गाइस इतनी ज़्यादा बम बारी करे जा रहा है गाइस, बम चिकी चिकी बम बम फोड़े जा रहा है, खत्म गाइस खत्म, पूरा मेटल खत्म, पूरा मेटल खत्म, खाली नॉर्मल पत्थर बचे यहाँ पे। ओ ये एक मिनट रुक जाओ, अच्छा पेगासस का बार है, मेरे को लगा किसी बॉस का बार दिखाई दे रहा है, डन। ओ यहाँ पे भी पत्थर है, हो गया गाइस हो गया, खत्म खत्म, टाटा बाय गुड बाय, ओके चलो गाइस सारा मेटल खत्म हो गया, ये नॉर्मल पत्थर है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा मेटल मिला वैसे गाइस यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा मेटल मिला, ये आखिर का एक पत्थर बचा हुआ है भाई, थक गया भाई, इतनी ज़्यादा मेहनत करी तुम्हारे भाई ने कि तुम्हारा भाई थक ही गया। चलो आ जाओ अभी पेगासस के ऊपर बैठ के जो ना गाइस निकल लेते हैं भाई। ओ ये हमारे पेगासस गुफा के अंदर कुछ ज़्यादा ही नहीं चमक रहा है गाइस, काफ़ी कूल लग रहा है, और ये रहा हमारे पेगासस का स्पेशल अटैक ना मेरे भाई, भूख लगी है क्या, ये ले खा ले बेटा खा ले, ठूस ले ठूस ले ठूस ले भाई, ये लो। ओ ये ओबी बोल दे गाइस, ओबी बोल दे, अरे ओरिजिन सर, ए ओरिजिन को मारूँ क्या, मतलब मेरे को ऐसा भाई वो हो रहा है यार, थोड़ा सा अपने बेस के साइड में ही है, पेगासस बिगासस को गलती बिलती से काट लिया तो भाई गेम ओवर हो जाएगा ना भाई। एक काम कर लेता हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है भाई, ठीक है एक काम कर ले, ए भाई चू चू की का चेप डाल रहे, चेप डाल, जिंदा नहीं छोड़ना जिंदा नहीं छोड़ना, हाँ 2-3 पटकों में उड़ा डाल, चल ज़्यादा कुछ नहीं 2-3 पटकों में, हाँ भाई बस नाइस, खा जा उसको, खा जा खा जा खा जा खा जा, तेरी इन्वेंट्री जो है वो भी मैं ले लेता हूँ, रुको टेंशन नहीं है, मिली क्या, अच्छा इसकी इन्वेंट्री नहीं उठा पाया ना गाइस शायद मैं, पानी के अंदर चलेंगे ना इन्वेंट्री उठाने के लिए, एडमिन मोड इनेबल ही नहीं था, ओके अरे एक मिनट रुक जाओ, एडेड एक मिनट रुक जाओ, फिर वो बियर की इन्वेंट्री उठाना भूल गया मैं, ये रही बियर की इन्वेंट्री, हेलमेट है क्या इसमें, वो थोड़ा सा और ओरिजिन आर्मर जो ना गाइस मिल चुका है, चलो ये भी जो ना गाइस हम बांट देंगे, क्योंकि हमारे पास ओरिजिन आर्मर का पहले से सेट यहाँ पे एक पड़ा हुआ है। हेलो सर लेट्स गो, ऐसे तो किल काउंट बढ़ाए जाते हैं गाइस यहाँ पे, ऐसे तो किल काउंट बढ़ाए जाते हैं, ये देखो गाइस जैसे किल काउंट बढ़ा बढ़ा के हमको 250 किल काउंट कराने हैं, और जैसे 250 किल काउंट हो गए तो आपको बताइए गाइस क्या होगा, हमारे लेजेंडरी पेगासस का लेजेंडरी वाला इवोल्यूशन हो जाएगा गाइस यहाँ पे, मजाक हो रहा है क्या, ओपी बोल देना मेरे बच्ची।
और यहाँ पे वेट अ मिनट, थोड़े से और थानोस को मार के अपनी पावर दिखा देता हूँ। वैसे अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर जो ना गाइस उतनी पावर नहीं है, बट चलो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि मैं इसका जो ना कौन सा वाला इवोल्यूशन निकालूं गाइस। ठीक है, मेरे को बताना आप कि मैं इसका जो ना गाइस डिमोनिक या सिलेस्टियल, इन दोनों में से कौन सा वाला एवोल्यूशन निकालूं, क्योंकि गाइस मैं अगले एपिसोड में इनका एवोल्यूशन निकालूंगा। पूरा जो ना गाइस आज का दिन मैं इनको ब्रीडिंग पे छोड़ने वाला, और जो छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे ना गाइस वो हम यहाँ पे पूरे सर्वर्स में बांट देंगे गाइस। ठीक है, लेजेंडरी पेगासस के बच्चे बांटेंगे, अभी उनको बड़ा करने का काम जिनको हम बांटेंगे उनका है भाई। ठीक है, मेरे को पता नहीं अभी वो बड़ा कैसे करेंगे उनको, गाइस शायद एक या दो स्पेशल किबल खिलाना पड़ेगा हंगर बार अगर उनका थोड़ा सा वो हुआ तो, बाकी कुछ सीन नहीं होने वाला है। चलो तो फिर एक काम कर लेते हैं, आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल का प्राइमल फियर का, इसी के साथ ही भी खत्म कर लेते हैं। मिलते हैं आगे सबसे अगले एपिसोड में प्राइमल फियर के, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आज के हमारे दो दो लेजेंडरी पेगासस अगर आपको पसंद आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और गाइस इनको जो ना गाइस अभी मैं स्क्रीनशॉट लेके आऊंगा ना तब यहां पे रख दूंगा ब्रीडिंग करने के लिए, और ये सारे लोग इधर उधर भटके पड़े हैं ना गाइस इनको भी लाइन से लगा दूंगा, कोई सीन नहीं। वो ये अंडे विंडे दे रही है, अच्छी बात है। चलो तो चले फिर मिलते जीत आपसे अगले एपिसोड में, तब तक लिए बाय। एंड ये जो ना गाइस मैं इसलिए उठा रहा हूं ताकि अपने जो डंग बीटल्स है ना गाइस उनके अंदर ये पॉटी डाल सको गाइस। ठीक है, मिलते अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय, गुड बाय गाइस। और पेगासस के लिए गाइस अच्छे अच्छे नाम भी जरूर सजेस्ट कर लेना गाइस। ठीक है, और साथ में डिमोनिक या सिलेस्टियल एक ऑप्शन जो ना गाइस वो चूज करके मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बता देना, ताकि वो वाला इवोल्यूशन जो ना गाइस मैं अगले एपिसोड में आपको दिखा सकूं इन पेगासस का गाइस। ठीक है, सो चले मिलते फिर आपसे अगले एपिसोड में, तब तक लिए बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.